हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश के दो रूप सीखेंगे, एक होता है इनफॉर्मल और एक है फॉर्मल। इनफॉर्मल कहने का मतलब ये है कि इसमें हम अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ हम इसे यूज़ करते हैं, और फॉर्मल हम बिजनेस के लिए और अच्छे अच्छे जगहों पे अपने अच्छे पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए हम फॉर्मल का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग अक्सर मे बी कहते हैं, तो मे बी अगर आप कह सकते हैं तो यू कैन स्पीक इन इंग्लिश परहैप्स। हेल्प को असिस्ट कहते हैं फॉर्मल में इसे कैसे यूज़ करेंगे, असिस्ट। मैड को यूज़ हम कर सकते हैं फॉर्मल में, इनसेन। गेट का यूज़ हम कर सकते हैं रिसीव में, रिसीव। चूज़ का हम यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट में, सिलेक्ट। ये इनफॉर्मल है और ये आपका फॉर्मल है। तो चूज़ का हम किस में यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट में। उसके बाद आपका आता है आस्क। आस्क का आप यूज़ कर सकते हैं, ये आस्क इनफॉर्मल है, ये बहुत बार यूज़ करते हैं, तो इसके बदले आप यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट। टेल का एक इनफॉर्मल है और इसका आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मल में, इनफॉर्म। आई टेल यू, आई इनफॉर्म यू। कौन बेहतर लग रहा है, इनफॉर्म इज़ द बेस्ट। ओके, बाय का मतलब होता है कोई चीज़ को खरीदना, तो हम लोग अक्सर बाय का यूज़ करते हैं, तो बाय के इनफॉर्मल में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, परचेज। आई परचेज द बैग, आई बॉट अ बैग। तो बहुत डिफरेंस है, तो इसीलिए आप यूज़ कर सकते हैं परचेज का। नीड का आप यूज़ कर सकते हैं रिक्वायर में, किसमें, रिक्वायर। नीड का आप किसमें यूज़ कर सकते हैं, रिक्वायर में। तो ये सब कुछ इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है। सबसे पहले मे बी का मतलब होता है शायद, इसका भी शायद ही होता है। हेल्प का मतलब मदद, मैड मतलब पागल, केट मतलब कोई चीज़ को पाना, चूस मतलब चुनना, आस्क मतलब पूछना, टेल मतलब कहना, बाय मतलब खरीदना, और नीड मतलब जरूरत। नीड प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।